हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक पार्टी वियर ब्राइडल पर्स बनाना बताएंगे कि इसको किस तरह से बनाया जाता है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने पर्स बनाने के लिए ये वेलवेट का कपड़ा और फोम और उसकी कुछ वैसी ज़रूरत की चीज़ें हमने ली है, जिप वगैरह है, इसी से हम इसको तैयार करेंगे। ये हमने स्टोन का पूरा पत्ता लिया है, इसमें से हम कटिंग करके डिज़ाइन तैयार करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह से हम तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हम इस वेलवेट को अपने पर्स के हिसाब से इसकी लंबाई चौड़ाई काट लेंगे। हमें जितनी भी लंबी चौड़ी साइज़ रखना है उस हिसाब से। तो हमने इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों कटिंग कर ली है। ये हमारी लंबाई है 14 इंच। और इसकी चौड़ाई हमने 11 इंच लगभग रखी है। उसी के हिसाब से हमें इसमें अंदर इनर भी लगाना है और फोम भी लगाना है। तो देखिए, हमने फोम की भी कटिंग पहले ही कर ली है और इनर हमें अलग से अभी स्टिच करके बीच में जॉइंट बना के लगाना होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने इस दोनों को अपनी साइज़ के हिसाब से कटिंग कर लिया है, वेलवेट को और फोम को। और ऊपर हमें लगाने के लिए ये पट्टी चाहिए, तो उसकी भी कटिंग हमने कर ली है। इसकी लंबाई और चौड़ाई हम अपने हिसाब से रख लेंगे। तो लंबाई हमने 9 इंच रखी है और चौड़ाई लगभग 4.5 इंच। यहाँ हम जॉइंट करेंगे। हमने दो पट्टियाँ कटिंग की हैं, दोनों साइड हमें पट्टियों को लगाना है और हम जिप लगाएंगे और इससे हम डिज़ाइन तैयार करेंगे। तो हमने इसको इस तरह से कटिंग कर ली है, आपको जिस तरह से लगाना हो उस तरह से कटिंग कर लें। और ये कुछ चौकोर पीसेज में भी हमने कटिंग की है। तो हम इसे अपने डिज़ाइन के हिसाब से अपने मनपसंद की डिज़ाइन बनाने के लिए इस तरह से चिपका के हम डिज़ाइन तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने इसके लिए प्रेस को हीट कर लिया है और हमने डिज़ाइन इस तरह से रखी है। अब इस पर हम इस प्लास्टिक पेपर को रखेंगे और प्रेस की हेल्प से हम इसे चिपका लेंगे। और पहले हम प्रेस को एक बार चेक कर लेंगे कि हमारा प्रेस कितना गर्म है। तो देखिए, हमने उसको चिपका के तैयार कर लिया है। अब ये हमारी पट्टी है ऊपर की, उसे हम दोनों तरफ से इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे और इस पर भी हम स्टोन चिपका लेंगे। इस तरह से हमें रख करके प्रेस की हेल्प से चिपका लेना है। हमें ये प्लास्टिक पेपर ज़रूर रखना है, नहीं तो हमारा स्टोन चिपक के प्रेस में आ जाएगा। हमें प्रेस थोड़ी देर तक रखना है ताकि इसका अच्छी तरह से चिपक जाए। तो देखिए, हमने इस डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया है। हमारा पर्स तैयार होने के बाद कुछ इस तरह से तैयार होगा। तो चलिए अभी इसकी स्टिचिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इन दोनों कपड़ों को इस थैली की तरह बना लेंगे। हमने इनर को इस तरह से बना लिया है, अब इसे भी हम उसी तरह से पैक कर लेंगे। हम तीनों कपड़ों को, फोम को और दोनों कपड़ों को उसी तरह से अलग अलग थैली की टाइप हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हम दोनों साइड बंद कर लेंगे। तो देखिए, हमने इसकी दोनों साइड बंद कर ली है, अब इसे हम सीधा करेंगे। हमें इसकी नोक एकदम सही करनी है इस तरह से। इसके बीच में हम पहले फोम को अटैच करेंगे। हमें फोम भी दोनों साइड से बंद करना है, लेकिन हम पहले इसको एक बार इस तरह से सही करके देख लेंगे। तो देखिए, हमने दोनों साइड से सिलाई लगा ली है और एकदम हमारा फोम सेम साइज़ का है। और अब हम इनर को भी वैसे ही सेट कर लेंगे। तो देखिए, हमारा ये तीनों पार्ट इस तरह से आएगा, इस तरह से हमारा पर्स तैयार होगा। तो हम अब एक सिलाई से इस तीनों कपड़ों को एक साथ अटैच करेंगे, एक सिलाई लगा लेंगे और बाकी जो एक्स्ट्रा फालतू कपड़ा होगा उसे हम कट कर देंगे। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है और ये हमारी पट्टी भी तैयार हो चुकी है। तो देखिए, हमने पट्टी को थोड़ा छोटा ही रखा है क्योंकि हमें यहाँ चुनट देना है। तो इस तरह से हम इसको सेट कर लेंगे। पहले हम इसका चुनट बना लेंगे इस तरह से, बिल्कुल हल्का हल्का।
देखिए इसका चुनेट भी हमारा तैयार हो चुका है, इस तरह से तैयार हुआ है। अब हम इस पट्टी को इस तरह से जॉइंट करना है। तो हम यहाँ सिलाई के पास से अपनी पट्टी को इस तरह से रखते हुए हम एक सिलाई लगाएंगे। तो देखिए हमारा पीछे का पार्ट भी, ये पीछे वाली पट्टी भी हमें उसी तरह से सिलाई लगाना है। जहाँ हमारी आगे वाली पट्टी ख़त्म हुई है वहीं से हम इसे भी रख के स्टार्ट कर देंगे सिलाई लगाना। तो देखिए हमारी पट्टी लग के कम्प्लीट हो गई है। अब हमें ज़िप लगाना है, हमें ज़िप यहाँ से रख कर के इस तरह से लगाना है। हमें इस तरह से ज़िप पर एक सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए हमारा एक तरफ का ज़िप लग चुका है। सेम उसी तरह से हमें दूसरे साइड के भी ज़िप को सिलाई लगा लेना है। तो फ्रेंड्स देखिए हमने इस तरह से ज़िप को लगा के तैयार कर लिया है। हमारा पर्स तैयार हो चुका है। देखिए कितना सुंदर, कितना खूबसूरत बन के तैयार हुआ है। ये ब्राइडल पर्स बोलें या पार्टी वियर पर्स बोलें, आप जहाँ भी चाहें इस्तेमाल कर सकती हैं। इसमें अपनी हैंकीज़, अपने मेकअप के सामान, अपने बहुत कुछ भी इसमें रख सकती हैं। जितना सारा सामान चाहें इसमें अटैच कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स आपने देखा इस पर्स को बनाना कितना आसान है। आप भी अपने घर पे बचे हुए कपड़े से या किसी भी कपड़े से इस तरह से पर्स बनाएं और इसका लुत्फ उठाएं। आप पार्टी वियर पर्स बनाएं। हमारे पर्स में इतना सारा सामान भी आ जाएगा और पार्टी वियर भी पर्स बन जाएगा, शादी में भी जाने वाला बन जाएगा, दुल्हनों के लिए भी काम में आएगा। तो इस तरह से देखिए, अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।